सपा नेता जो है बराबर जो है आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, वहीं उन्होंने सवाल उठाया कि अयोध्या जो यहाँ पर राम मंदिर था वहाँ बौद्ध स्थली थी। मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उसका जवाब देना चाहिए, उन्हें जवाब देना चाहिए कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार बयान दे रहे हैं हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में, धार्मिक पुस्तकों के बारे में, धर्म गुरुओं के बारे में, समाजवादी पार्टी का स्टैंड इसमें अधिकृत क्या है? जाति गणना की मांग विपक्ष कर रहा है, बिहार में आंकड़े आ गए हैं। हम लोग सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं, हमारी प्राथमिकता में जाति नहीं है, गरीब है, और हमारी सरकारें गरीब कल्याण को समर्पित। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और बयान दिया हुआ कि जब भगवान राम है करोड़ों के मतलब जो है आस्था ठीक है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की क्या जरूरत है, क्या मतलब जो है कि लोग जो है भगवान शिव पर अपने को मान रहे हैं? हमारे लिए देश के करोड़ों 140 करोड़ लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ा है राम मंदिर का निर्माण। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए लगभग हजारों साल से देश का समाज संघर्ष कर रहा है, और हमारे लिए गर्व की बात है कि भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन गया और भगवान राम लला अपने गर्भ गृह में स्थापित हुए। बता रहे हैं ये जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट को तय करना है, लेकिन देश के सभी लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है, किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं। मैं बता रहा पुराना मंदिर है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की क्या जरूरत पड़ी? भगवान ऐसा ये कांग्रेस के लोगों से पूछो और समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछो, कांग्रेस हमेशा न्यायालय में न्यायालय को भ्रमित करके सरकार न्यायालय निर्णय ना कर सके राम मंदिर के पक्ष में टलवाने का काम करती थी कांग्रेस। भगवान श्री राम के अस्तित्व को मानने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया था, और समाजवादी पार्टी के सरकार के समय कार सेवकों का नरसंहार किया गया था। हमारा कमिटमेंट है, हमारा संकल्प है, और हम अपने कमिटमेंट के आधार पर हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी आस्था और अपनी विरासत के आधार पर सरकार चलेगी, ये हमारा कमिटमेंट है। नहीं, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, राम मंदिर हमारी देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा भी है। ये स्वार्थी लोगों का गठबंधन है, मौका प्रस्त लोगों का गठबंधन है, और ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो अपने परिवार को अनैतिक संपत्ति जो इकट्ठा करी है उन्होंने उस पर लोगों का ध्यान ना जाए, उसे बचाने के लिए गठबंधन करता है। मुश्किलें बड़ी है क्या एंटी गठबंधन? धन्यवाद। नारी नारी शक्ति बंधन अधिनियम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की संसद के बाद पारित करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए सभी अपने विधानसभा में हम लोग नारी शक्ति सम्मेलन कर रहे हैं। आज फर्रुखाबाद का सम्मेलन है, हमारी पूरी पार्टी लगातार महिलाओं के अधिकारों के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके सुरक्षा के लिए हम कृतसंकल्पित, और भारत की संसद का धन्यवाद और अभिवादन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने लंबे समय की मांग को, देश की आधी आबादी की मांग को पूरा किया है, तो धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए हम सब लोग मिलकर पूरे प्रदेश भर में सभी विधानसभाओं में ये सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। क्या सर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा सीट में जो आने वाले चुनाव में है उसमें सीट में आरक्षण मिलेगा या ऐसे ही सीटें बांटी जाएंगी? अभी जो जनगणना प्रस्तावित है, कोरोना के कारण 2021 की जनगणना नहीं हो पाई, तो बहुत जल्द की जनगणना के बाद जो भी नियमानुसार 33% व्यवस्था है उस 33% व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। जो नियम अनुसार आरक्षण की व्यवस्था, जो संविधान में मैंने जवाब दे दिया, जो संविधान में प्रदत्त आरक्षण है राज्य विधानमंडलों में और भारत की संसद में, उसी अनुसार बहनों को आरक्षण दिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।